कितने आदमी थे। दोस्तों, जब भी ये डायलॉग हमारे कानों में सुनाई देता है तो अभिनेता अमजद खान का नाम हमारे जहन में सबसे पहले आता है, जिन्होंने फिल्म शोले में अपने दमदार एक्टिंग से दर्शकों के बीच अपनी खास जगह बनाई थी और बॉलीवुड के चमकते खलनायक बन गए थे, जिन्होंने बॉलीवुड में एक से पढ़कर एक फिल्में दी। लेकिन दोस्तों, आप अमजद खान के बारे में तो जानते हैं, लेकिन क्या आप इनकी बेटी के बारे में जानते हो? क्या करती है, कौन है और कैसी दिखती है? अगर आप भी ये बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में गब्बर के नाम से पहचान बनाने वाले अभिनेता अमजद खान का जन्म 1943 में लाहौर में हुआ था और विभाजन के बाद इनका परिवार इंडिया शिफ्ट हो गया और यहीं से इन्होंने अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई खत्म होने के बाद इन्होंने अपना पूरा ध्यान एक्टिंग की दुनिया में लगा दिया। बात करें इनके अभिनय की, तो ये एक अभिनेता बनने से पहले इन्होंने की आसिफ के एक सहायक निर्देशक के रूप में काम किया, जहां पहली बार इनका सामना कैमरा से हुआ था और एक सहायक निर्देशक के रूप में ये इंडस्ट्री को समझ ही रहे थे कि इसी दौरान इन्हें लव एंड गॉड और हिंदुस्तान की कसम फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। इस फिल्म में ये साइड रोल निभाते हुए नजर आए थे, पर ना तो दर्शकों को ये फिल्म याद रही और ना ही खुद अमजद खान को, जिसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा के कहने पर इन्हें फिल्म शोले में काम करने का मौका मिला। असल में दोस्तों, फिल्म शोले के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को अप्रोच किया गया था, लेकिन समय के अभाव के कारण इन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था, जिसके बाद इस फिल्म में अमजद खान को लिया गया। इस फिल्म में ये गब्बर का किरदार निभाते हुए दिखाई दिए थे। इस फिल्म में खलनायक की भूमिका सदा सदा के लिए जीवंत हो गई, जिसके बाद इनकी एक और सफल फिल्म याराना आई। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के ये दोस्त का किरदार निभा रहे थे। इस फिल्म के बाद ये कई फिल्मों में नजर आए, जिसमें कुर्बानी, इनकार, चरस और मिस्टर नटवर लाल जैसी फिल्में शामिल थी। आपको बता दें कि बड़े पर्दे पर खलनायक का तेवर दिखाने वाले अमजद खान असल जिंदगी में काफ़ी दरियादिल इंसान थे और 27 जून 1992 को दिल का दौरा पड़ने से इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन बात करें इस दमदार अभिनेता की बेटी की, तो इनकी बेटी का नाम अहलम खान है और ये मुंबई यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी है और अपने पिता की तरह ही ये एक अभिनेत्री हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। ये अभी तक कई नाटकों में भी काम कर चुकी है और बहुत ही जल्द बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना डेब्यू भी करने वाली है। और आपको बता दें कि इन्होंने साल 2011 में सफ़र कराची वाला से शादी की है, जो कि एक जाने माने एक्टर हैं और जिन्हें आपने हिप्पी भुर्रे टीवी शो में अभिनय करते हुए भी देखा होगा। लेकिन अगर बात करें अहलम की खूबसूरती की, तो ये खूबसूरती के मामले में किसी से भी कम नहीं है, जैसे कि आप इनकी इस तस्वीरों में साफ देख सकते हो। तो दोस्तों, आपको अमजद खान की बेटी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।